मुझे बातें सुनाने से कुछ नहीं होगा। अरे जरा जी भर के देखो, शहाना सुल्तान का तकब्बुर एक बार फिर से जमीन पर आ गिरा है। देखो तो, अरे देखो देखो तो सही। जब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देखना तो क्यों जिद कर रही हो? कोई बीमारी है तुम्हें? कोई दायमी मर्ज है? काहे का? दूसरों की बेइज्जती देख के तालियां बजाने का, कोई बर्बाद हो रहा तो कह कहे लगाने का। नाउ आई बिलीव यू आर सिक। मुझे अंग्रेजी में गालियां मत दो। अरे वो तो शहाना सुल्तान सास है ना मेरी बच्ची की, अब उस पे अगर उंगली उठेगी तो मेरी बच्ची परेशान होगी ना। हाँ हाँ, बहुत सादा है ना। अरे मेरी सादगी और मेरी बेवगी का फायदा ही तो उठाया है आपने, और आपके बेटे ने मेरी ताशी को फंसा लिया। तुम दोनों बाप बेटा हमें सब्ज बाग दिखाकर खिदमत ही तो करवा रहे हो हमसे। तौबा, और तुम्हारे नदीम को तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। अरे मेरी बच्ची को परेशान करके रख दिया है, छोड़ूंगी नहीं मैं। स्टार्ट में ऐसा कोई बात हो गई थी, वरना कोई ऐसी बात थी नहीं। प्लीज पेजी, प्लीज बस कर दे आप लोग। उस जर्नलिस्ट ने मेरे बारे में भरी महफिल में बात की, उसको क्या हक पहुंचता है कि मेरी माँ के बारे में बात करे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करे? और आप लोग उसे मारने के बजाय मुझे समझा रहे? बेटा छोड़ दो, इन बातों को इतना सीरियस नहीं लेते। क्या हो गया अगर उसने पुरानी बात कर दी तो? ये सहाफी लोग तो मुर्दे निकाल लेते हैं कब्र से अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, पता है? अरे नौशीन चुप कर जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मा एक आर्टिस्ट थी और बस। मैं तो सोच रहा हूँ अगली फिल्म में इनसे कोई अच्छा सा रोल करवा लें। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्या हो गया नाथरा जी, रजियुद्दीन साहब मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, आई मीन आप तो हर बात ना दिल पर ले लेती हैं। चले जाने दे, चलते हैं कहीं खाना वगैरह खाते हैं, क्यों नोशी? आज के बाद अगर मेरी माँ के बारे में मुझसे किसी ने कोई बात की तो मैं उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दूंगी, फिर मुझे कुछ मत कहना। अच्छा भाई, क्या हो गया बेटा? चलो चलो डिनर पे। रजी साहब आप भी साथ चलिए हमारे। हाँ हाँ बॉस, चले ना हमारे साथ। हाँ why not, लेकिन देखो एक शर्त पे, अगर नादरा चलेंगी तो मैं चलने को तैयार हूँ। नहीं मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं घर पे रेस्ट करूंगी। मत चले ना यार। अरे चले ना, होगी बात। चले चले, उठेंगे तो चलेंगे ना। चले आ जाए आप, चले ना साथ। आ जाए अम्मा। ओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानती हूँ। कुछ नहीं जानती है, मेरे पे जो गुजारी है वो मैं ही जानती हूँ। अब क्या कह रहा है दिलावर? अम्मी आपको किसने कहा कि दिलावर मुझे? माँ हूँ तेरी और तू बहुत लाडली है मेरी। तेरी आंखों में देखकर दिल का हाल ना पढ़ लूं तो मेरे होने का क्या मकसद बेटा? आगे बोल। दिलावर के बढ़ते हुए कदम मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैं कुछ नहीं सोचना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के अंदर, बहुत अंदर, सिर्फ नदीम ही बसते हैं। अम्मी अगर वही नफरत पालती जिसे मैंने अपना खून पिलाकर जवान किया है तो आज को तू भी बहुत सुखी होती। दिल की बातें मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है? वैसे मैं ये भी सोचती हूँ कि किसी रोज अगर मेरे शोहर को ये पता चल गया कि मैंने आपका बदला लेने के लिए उससे मोहब्बत के जाल में फंसाया था तो मर जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा। बस मेरे दुश्मन की तिजोरी के साथ साथ उसकी गोद भी खाली हो जाएगी। अच्छा बस माँ, तभी नेगेटिव ना सोचे, क्या हो गया आपको? दिलावर का सोचे, कैसे रोकू उसे? वो नहीं रुकता, ये तो तू भी अच्छी तरह से जानती है। अच्छा सुन, वो शहाना सुल्तान ने जो जेवर दिया था तुझे वो कहाँ रखा है? लॉकर में। दिल परेशान है मेरा, दिमाग तो चल रहा है अम्मा जी। शाबाश। आपने याद किया छोटी सरकार?
हाँ, आज मैंने तुझे बहुत जोर से याद किया है। बैठ। जी, मैं? हाँ, तू ही बैठ जा। एक बात तो बता। जी छोटी सरकार। तू किसी को पसंद करती है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं पसंद करती, कसम ले ले, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अभी मौका है, बता दे अगर तुझे कोई अच्छा लगता है तो। नहीं नहीं, कोई भी नहीं, और अगर आपसे किसी ने कहा है तो झूठ कहा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी की बात सुनता हूँ। सरकार, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको खुद बता देती, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़हनी तौर पर तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। आगे क्या करना है तुझे बाद में बताऊंगी। जा। ताशी, हमने ये रिश्ता आजकल की रिवायती शादियों की तरह नहीं छोड़ा था। प्यार करते हम एक दूसरे से। और क्या, जो भी कहना साफ साफ बोलो, पहेलियां बूझने का टाइम नहीं मेरे पास। तुम्हारा दिन ब दिन खराब रवैया मुझे इस कदर डिस्टर्ब कर देता है कि समझ नहीं आता कि जी रहा हूं कि मर चुका हूं। मीडिया में होते ना तो अच्छे खासे रोमांटिक हीरोज के रोल्स ऑफर होते तुम्हें। वैसे डायलॉग्स और तासुरात काफी खूब है तुम्हारे। इसी तरह हंसते रहा और भी हंसी लगती है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ताशी क्या हुआ? ताशी, ताशी, आर यू ओके? ताशी, 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 आर यू ओके? ताशी, तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता क्या हुआ है। क्या हुआ, क्या क्या हुआ? वाकई सच? आई लव यू सो मच। मैं मम्मी को बता के आता हूँ। ये क्या हो गया, मैं माँ बन गई तो नदीम और इसकी माँ के काबू आ जाऊंगी, करियर भी हाथ से जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। हैरत कैसी, नाजू का निकाह कर रहा हूँ और बस। कहाँ थी आप? जी मैं अस्पताल गई हुई थी, एक खबर आपने दी तो एक खुशखबरी मुझसे भी सुन ले। जी जरूर, कहिए। आप अल्लाह के फजल से साहिब औलाद होने वाले हैं। आ रहा है बालूनी शरीफ की गद्दी का वारिस, बेटा होगा इंशाल्लाह, लेकिन उसे मैं पीर साहब और सलमा के लिबरलिज्म से दूर रखकर शरई एतबार से मजबूत बनाऊंगा, और इसी खुशी में नाजो की शादी किसी बेहतरीन इंसान से करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। तुम लोग पागल पागल हो क्या? ये तरीके प्रेजेंटेशन बनाने का, एक दो साल का बच्चा आपसे ज्यादा अच्छी जॉब कर सकता है? बोलो नदीम। यार आई एम सो एक्साइटेड, सोचूं कि शाम में दफ्तर से फारिग होकर तुमको डॉक्टर के पास ले जाऊं। अभी मुझे बहुत काम है और बाद में चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देख लो, मैं अभी भी आ सकता हूँ, सब काम छोड़ के दौड़ता हूँ तुम्हारे पास। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? देख लो, तुम्हारी सास भी यही कह रही है, आ जाओ। अच्छा नदीम, अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, प्लीज बाद में बात करते हैं, मुझे काम है बहुत। अरे ताशिश, आने दो मेरे शहजादे का, सब बताऊंगा कितना बिजी रहती है उसकी अम्मा, शिकायत करूंगा फिर देखता हूँ क्या करती है। आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाएं यहां से, जाएं यहां से।
मेरा सब कुछ लूट कर छुप जाने वाली लड़की, मिलने की तमन्ना भी ना करूं? करो, जरूर करो, लेकिन कुछ दिन बाद। वो पल जिसमें तुम नदीम के साथ उठती हो, जहर लगता है मुझे, लेकिन बड़े शौक से पीना पड़ता है मुझे। सुबह सुबह बड़े रोमांटिक हो रहे हो, लगता ठीक से सोए नहीं। किसी छोटे बच्चे की तरह असल बात से मेरा ध्यान ना हटाओ नताशा। अच्छा नहीं हटाती, बोलो क्या चाहिए। मेरे साथ भाग चलो। भाग चलो कहाँ? जहाँ मिले सुनो। देखो दिलावर, तुम देखो सिर्फ मेरी नजरों में, शादी कर लो मुझसे। शादी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो यूं रिएक्ट कर रही हो जैसे बेखबर हो मुझसे। नहीं मैं बेखबर नहीं, लेकिन लेकिन नदीम, छोड़ दो उसे मेरे लिए। इन ख्यालों में गुम हो ऐ दिलनशीं महजबी हसीना नाज पर भर, जरा मुड़कर तो देख हमें। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो दिलावर, जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखों में झांके बिना तो कहीं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? I'm pregnant. Oh. Oh. तो फिर? इस फिर का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी कि I don't know. किस जमाने में खड़ी एक शाकाल लड़की इतने से मसले पर परेशान हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है, इस कहानी को किस मोड़ पे कैसे घुमा के छोड़ देना ये मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हो गया जो होना था, जो नहीं होना चाहिए उससे रोको। नदीम एक अरसे से औलाद के लिए तड़प रहा है, मुझसे झड़प रहा है। जो तुमसे लड़ता है उसे छोड़ दो, जो तुम पे मरता है उसे।